सत श्री अकाल, मैं सिमरन, फैक्ट न्यूज बॉलीवुड चिंगार दे विच तुहाडे सब दा स्वागत करदी है। दोस्तों, गल करांगे फिल्म आदि पुरुष दी। वेल, ए ओ फिल्म है जिस दा मोस्ट अवेटेड इंतजार कर रहे ने उसदे फैंस, जिस दा कारण है साउथ सुपरस्टार प्रभास। वेल, ए फिल्म नू काफी विवादां तों बाद हुण 16 जून नू रिलीज लई मिल गई है टाइम, जिस दे चलदे हुण फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी ने। वेल, होवे भी क्यों ना, क्योंकि इस विच प्रभास दिखणगे श्री राम दे किरदार दे विच। ते हुण प्रोड्यूसर्स ने कीता है इक वड्डा ऐलान इस फिल्म नू लै के। आओ जान पोस्टपोन कर दी गई, कई बदलाव करन तो बाद फिल्म नू रिलीज किया जाना है। फिल्म नू रिलीज होन विच महज 2 हफ्ते ही रह गए ने। मेकर्स ने प्रमोशन दा आखरी पड़ा शुरू कर दिता है। हाल ही विच आदि पुरुष टीम ने रिलीज दे संबंध विच एक घोषणा की है। बयान दे अनुसार आदि पुरुष स्क्रीनिंग दे दौरान हरेक थिएटर विच एक सीट अणविकी रहेगी। इन्हां बेची गई सीट लोकां दी आस्था नूं मनाउण लई भगवान हनुमान नूं समर्पित कीती जावेगी। ओम राउत दे निर्देशन विच बनी आदि पुरुष 16 जून नूं सिनेमाघरां दे विच रिलीज होवेगी। इह फिल्म 5 भाषावां तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम अते कन्नड़ विच परदे उत्ते नजर आवेगी। फिल्म दी रिलीज तों पहलां निर्मातावां ने ऐलान कीता है कि हर थिएटर दे विच इक सीट भगवान हनुमान नूं समर्पित कीती जावेगी। हरेक स्क्रीनिंग ते सीट अणविकी रहेगी। आदि पुरुष दी टीम वल्लों जारी बयान विच कहा गया है, जिथे भी रामायण दा पाठ हुंदा है उत्थे भगवान हनुमान प्रगट हुंदे ने। इह साडा विश्वास है। इस विश्वास दा सम्मान करदे होए प्रभास दी राम स्टारर आदि पुरुष समय सिर प्रदर्शित कीती जावेगी। बिना विच भगवान हनुमान लई इक आसन। सुनो राम दे सब तों महान भगवान नूं श्रद्धांजलि देण दा इतिहास। असीं इस महान कारज नूं अणजाण तरीके नाल शुरू कीता है। आओ आपां सारे आदि पुरुष भगवान हनुमान दी हजूरी विच बड़ी शानो शौकत नाल दर्शन करिए शान नाल। आदि पुरुष भारतीय महाकवि रामायण दे आधारित एक इतिहास फिल्म है। फिल्म ओम राउत द्वारा लिखी अते निर्देशित कीती गई है, जदों कि प्रभास, कृति सेनन अते सैफ अली खान मुख भूमिका विच नजर आणगे। सनी सिंह अते देवेंद्र नाग सहित भूमिका विच वी नजर आणगे। दरअसल 500 करोड़ रुपए दे वड्डे बजट ते बनी इह फिल्म शुरू तो ही कई रुकावटां दा सामना कर चुकी है। सैफ अली खान इस फिल्म दे विच रावण दे किरदार विच दिखाई देणगे। उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि कृति सेनन सीता दे किरदार विच ते प्रभास श्री राम दे किरदार विच नजर आणगे। वैल, इस फिल्म नूं लै के लोकां दे विच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखण नूं मिल रही है। हुण देखना यह है कि इस फिल्म नूं वड्डे पर्दे ते किस तरह दा रिस्पांस मिलता है। सत श्री अकाल, मैं सिमरन, फैक्ट न्यूज बॉलीवुड चिंगार दे विच तुहाडे सब दा स्वागत करदी है। दोस्तों, गल करांगे फिल्म आदि पुरुष दी। वेल, ए ओ फिल्म है जिस दा मोस्ट अवेटेड इंतजार कर रहे ने उसदे फैंस, जिस दा कारण है साउथ सुपरस्टार प्रभास। वेल, ए फिल्म नू काफी विवादां तों बाद हुण 16 जून नू रिलीज लई मिल गई है टाइम, जिस दे चलदे हुण फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी ने। वेल, होवे भी क्यों ना, क्योंकि इस विच प्रभास दिखणगे श्री राम दे किरदार दे विच। ते हुण प्रोड्यूसर्स ने कीता है इक वड्डा ऐलान इस फिल्म नू लै के। आओ जान हाँ वो की है। आदि पुरुष फिल्म नूं लै के निर्मातावां नूं काफी उम्मीदां ने, क्योंकि साल 2023 दीआं मोस्ट अवेटेड मूवीज दे विच आदि पुरुष एक है। इह फिल्म जनवरी 2023 च रिलीज होण सी, बट विवादां कारण इस दी रिलीज डेट वार-वार पोस्टपोन कर दित्ती गई, अते कई बदलाव करन तों बाद फिल्म नूं रिलीज कीता जाणा है। फिल्म नूं रिलीज होण विच महज 2 हफ्ते ही रह गए ने। मेकर्स ने प्रमोशन दा आखरी पड़ा शुरू कर दिता है। हाल ही विच आदि पुरुष टीम ने रिलीज दे संबंध विच घोषणा की है। बयान दे अनुसार आदि पुरुष स्क्रीनिंग दे दौरान हरेक थिएटर विच एक सीट अणविकी रहेगी। इन्हां बेची गई सीट लोकां दी आस्था नूं मनाउण लई भगवान हनुमान नूं समर्पित कीती जावेगी। ओम राउत दे निर्देशन विच बनी आदि पुरुष 16 जून नूं सिनेमाघरां दे विच रिलीज होवेगी। इह फिल्म 5 भाषावां तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम अते कन्नड़ विच परदे उत्ते नजर आवेगी। फिल्म दी रिलीज तों पहलां निर्मातावां ने ऐलान कीता है कि हर थिएटर दे विच इक सीट भगवान हनुमान नूं समर्पित कीती जावेगी। हरेक स्क्रीनिंग ते सीट अणविकी रहेगी। आदि पुरुष दी टीम वल्लों जारी बयान
ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਰਾਮ ਸਟਾਰਰ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਨ ਸੁਣੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਕਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਲਮ ਹੈ ਫਿਲਮ ਓਮ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਨਾਗ ਸਾਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦਰਅਸਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੈਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ